नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के पलवल जिले की। पलवल जिले को सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। हरियाणा के पलवल जिले में ही गांधी जी पहली बार गिरफ्तार हुए थे। अगर बात करें स्थिति की तो दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा हाईवे पर मौजूद है। इसका क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें स्थापना की तो 13 अगस्त 2008 को नया जिला के रूप में इसको बनाया गया था। हथीन, होडलू और पलवल यहां के उपमंडल हैं। बात करें जनसंख्या की तो 10,42,708 लोग यहां पर रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 767 व्यक्ति पाए जाते हैं। 1,000 पुरुषों पर यहाँ 880 महिलाएं पाई जाती हैं और 69.32% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। पलवल का नाम पलवल पलम्बासुर राक्षस की राजधानी होने के कारण पड़ा। पलवल नगर शक्कर एवं साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जब महात्मा गांधी रोलर एक्ट के विरोध में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग जा रहे थे तो अंग्रेज सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1919 को पलवल स्थित रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रथम गिरफ्तारी हुई, जिसकी स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी गई। एक जनश्रुति के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल में रहे। इस क्षेत्र के गाँव अहारवन का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता की कथाओं में मिलता है। अब बात करते हैं पलवल में मौजूद कुछ दर्शनीय स्थलों की। पांडव वन, पलवल जिले के होडल नामक कस्बे में पांडव वन मंदिर और गुफा मौजूद है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का समय इस स्थान पर बिताया था। महाभारत काल के बाद यहां ओड जाति यहां आकर बस गई। अगला है सती का स्थान। होडल क्षेत्र में सती के नाम पर एक भव्य मंदिर और तालाब है जहाँ जनवरी मास में मेला लगता है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने एक सराय, तालाब और बावड़ी का निर्माण करवाया। होडल के किशोरी बाई तालाब को ही सती के तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ जनवरी और अप्रैल मास में मेला लगता है। अगला है पंचवटी। पलवल में पंचवटी के नाम से एक मंदिर है। यह मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर विश्राम किया। अगला है मटिया महल। इसे मुगलों ने बनवाया और इसे मीनार किला भी कहा जाता है। इससे आगे है बारह खम्बा छतरी। होडल में मौजूद महल नुमा हवेली का निर्माण 1754 से 1764 ईस्वी के बीच भरतपुर के राजा सूरजमल के ससुर चौधरी कांसीराम सोरोत ने करवाया। महारानी किशोरी राजा सूरजमल की धर्मपत्नी और चौधरी कांसीराम की पुत्री थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।